हेलो फ्रेंड माई सेल्फ प्रशांत फ्रॉम जी पी एस पब्लिक स्कूल नारंग रोड पुरानी बस्ती टुडे आई आस्क सम क्वेश्चन टू द माई स्टूडेंट एंड यू सी सी गिव द आंसर वेरी वेल ओके बेटा व्हाट इज योर नेम माय नेम इज सामिया 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 इन विच क्लास यू स्टडी आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ सामिया आप क्लास फिफ्थ में ठीक है सामिया क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके यस सर ओके सामिया पहला मैं आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ क्या आप कंफर्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स चार्ल्स इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर ये सभी बच्चों को पता होगा या सभी स्टूडेंट ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको अगर कंप्यूटर का थोड़ा भी पढ़ाया गया होगा स्कूल में तो उसको ये पता होगा कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर बट ये बहुत सारे कम स्टूडेंट ये जान, कम ही जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज ने क्या डिस्कवर किया हुआ था तो बेटा ये बताओ चार्ल्स क्या डिस्कवर किया था याद रखना जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि Babes, तो है लेकिन उन्होंने जो डिस्कवर किया था पहला बोलते हैं एनालिटिकल इंजन के नाम से ठीक है ओके okay. ठीक uh, है बेटा ये बताओ uh, आप एस के बारे में बता सकते हो वॉट इज द ओके एस टी एम एल का फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके यहाँ तक तो हो गया देखिए स्टूडेंट अब मैं इनसे पूछूंगा कि ये एस टी एम एल करता क्या है डिजाइन uh, करता है यानी वेब पेज का डिजाइन करता है एस टी एम एल ओके ठीक है बेटा क्या आप डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू के बारे में बता सकते हैं यस yes, सर क्या फुल फॉर्म इसका वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है ठीक है आप ये बताइए बेटा फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया सिद्धार्थ फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज सिद्धार्थ ठीक है आ, देखा स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स कि इस बच्ची ने कितने अच्छे तरीके से हर कंप्यूटर के हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से बता रही है चलिए जो सबसे एक टफ पार्ट होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली इसको सारे जनरेशन याद है लेकिन मैं कुछ ही जनरेशन इस वीडियो पे पूछ सकता हूँ इससे अच्छा बेटा ये बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज हुआ था फिफ्थ जनरेशन। बारे में बता सकती हैं yes, जो पहले जनरेशन कंप्यूटर में एक स्विचिंग डिवाइस यूज हुआ था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम का मतलब एयर जहाँ पे कोई एयर नाम मॉलिक्यूल हो वहाँ पे उसे बोलते हैं वैक्यूम ठीक है आप बता सकते हैं इसकी स्पीड क्या थी यस सर कितनी थी मिली सेकेंड मिली सेकेंड ओके सेकेंड इजक्ल टू हाउ मेनी मेकेंड टेन स्क्वायर माइनस थ्री ठीक है स्क्वायर टेन टू द पावर माइनस थ्री ओके बेटा ठीक बताया आपने कोई दिक्कत नहीं टेन टू दावर माइनस थ्री ठीक है सेकंड होता, होता है देखो स्टूडेंट वन मिली सेकंड इजक्वल टू टेन टू दावर माइनस थ्री सेकंड होता है ठीक है चलिए आपने कंप्यूटर का तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया बेटा चलिए आप एक चीज़ और बताएं चलिए आपको मैं हिंदी व्याकरण से पूछता हूँ पूछू यस सर ओके सर्वनाम के बारे में बता सकती हूँ यस सर बताओ वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं ठीक है घबराओ नहीं आराम से कोई दिक्कत नहीं फिर से बताओ वे भिकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं है इन्होंने बताया कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं फ्रेंड ये यहाँ पे एक वर्ड यूज की है विकारी शब्द विकारी शब्द अच्छा बेटा विकारी शब्द क्या होता है क्या क्या होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अच्छा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के सारे विकारी हैं ठीक है विकारी शब्द होता क्या है एक्चुअली लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला जा सके उसमें हाँ ठीक है इन्होंने बताया कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला जा सके उसे बिकारी कहते हैं जैसे लड़का से लड़की ठीक है ना चेंज हो गया ठीक है लड़का लड़के यहाँ पे वचन चेंज हो गया तो ये क्या होंगे जितने होंगे ये सारे बिकारी शब्द होंगे ठीक है ना क्या आप बता सकते हैं बेटा सर्वनाम के प्रकार के बारे में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बताइए फिर भी यस सर बताओ छह प्रकार होते हैं सर्वनाम सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं कौन कौन से निश्चवाचक सर्वनाम अनिश्चवाचक हाँ। सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हाँ। निजवाचक सर्वनाम वेरी गुड ठीक है बेटा आपने भी बताया ठीक है अच्छा बेटा अब ये बताओ आपसे मैंने हिंदी व्याकरण भी पूछा ठीक है और क्या संज्ञा के बारे में पूछे आपसे हम क्या संज्ञा चलो ठीक है संज्ञा किसी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं वेरी गुड संज्ञा किसी व्यक्ति वै या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ठीक है बेटा ठीक है बेटा आपसे चलिए मैंने तो दो सब्जेक्ट से आपसे पूछा जीके से पूछता हूँ ठीक है ना जीके से यू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड सेवन सेवन कॉन्टिनेंट ठीक है सेवन कॉन्टिनेंट यानी देखिए देखिए स्टूडेंट इन्होंने कॉन्टिनेंट यानी अपने पूरे अपने वर्ल्ड में पूरे सेवन कॉन्टिनेंट हैं यानी इसको हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं सेवन महाद्वीप से बना हुआ पूरा वर्ल्ड ठीक है तो कौन कौन से है यूरोप अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने सेवन कॉन्टिनेंट गिनाया एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ंटार्टिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है बेटा ये बताओ कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ क्या है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है एशिया एशिया यानी एशिया को सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ठीक है ना मतलब सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो क्या है एशिया और सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे अभी टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप मैच खेला जा रहा है यानी ये सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ठीक है एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछूंगा थोड़ा सा मैथ uh, से देखता हूँ ज्योमेट्री से यू नो अबाउट द रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज अ क्वारिलेटर क्वारिलेटरल ठीक है क्वारिलेटरल क्या विच है फोर साइड फोर साइड्स ठीक है बेटा ये बताओ uh, क्या इसका आप एरिया के बारे में बता सकते हैं एरिया यस सर बताओ लेंथ इन टू ब्रेथ लेंथ इन टू ब्रेथ स्टूडेंट्स अगर आप uh, देखिए वो देखिए अगर अगर, अगर आपसे कोई पूछे रेक्टेंगल क्या है तो आप बताएंगे रेक्टेंगल इज ए हैव है फोर साइड्स ठीक है एंड रेक्टेंगल क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल एरिया कितना होता है लेंथ इनटू टू ब्रेथ अगर कोई पैरिमीटर पूछे तो आपसे टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस टू टाइम्स ऑफ ब्रथ आप ये भी बोल सकते हैं टू इन द ब्रेकेट लेंथ प्लस ब्रिथ बोल सकते हैं अगर आपसे कोई डायगोनल पूछता है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है आप इसी तरह से पढ़ेंगे अगर कोई भी स्टूडेंट्स देखिए अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं जो भी कोई बाहरी स्टूडेंट्स है याद रखिएगा मैं आपके लिए बेसिक्स वीडियो इसमें अपलोड करते जा रहा हूँ आपके लिए ठीक है और बेसिक्स वीडियो जो भी आप आए आप देखते रहिए आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा आप देखिए इस बच्ची को हम जो स्कूल में हम लोग ट्रेंड करते हैं कितने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि इनको वो चीज़ हम लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं इनके ब्रेन में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है और यही क्या होगा ईयर बाई ईयर हम इनको रोटेट करते रहेंगे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे और Take care. Thank you.